नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग ग्लोरी के शो प्राइम टाइम विद आकांक्षा परिहार में। कश्मीर में आतंकियों ने 24 घंटे के भीतर दूसरे आतंकी हमले को अंजाम दिया है। सोमवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने प्रवासी श्रमिक को गोलियों से निशाना बनाया। इससे श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले रविवार दोपहर श्रीनगर में पुलिस इंस्पेक्टर को आतंकी ने गोलियां मारी। पुलिस अधिकारी का इलाज अस्पताल में जारी है, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पुलवामा के तुमची नौपोरा इलाके में आतंकियों ने श्रमिक को गोली मारी। श्रमिक की पहचान उत्तर प्रदेश के निवासी मुकेश के रूप में हुई है। इस हमले में श्रमिक की जान चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, आतंकियों की तलाश की जा रही है। वीरवार को श्रीनगर शहर के ईदगाह इलाके में रविवार की शाम एक आतंकी ने क्रिकेट खेल रहे एक पुलिस इंस्पेक्टर को काफी करीब से निशाना बनाते हुए एक के बाद एक तीन गोलियां मार दी। हमले में पुलिस इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी पहचान मसूर अहमद वानी के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि हमले में पिस्तल का इस्तेमाल किया गया है। सुरक्षा बलों ने दिन दहाड़े हुए इस हमले के बाद पूरे इलाके को घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली है। हमले में हाइब्रिड आतंकी के शामिल होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि योचीपोरा ईदगाह के रहने वाले इंस्पेक्टर मशहूर अहमद स्थानीय युवाओं के साथ ईदगाह मैदान के क्रिकेट खेल रहे थे। इस दौरान एक आतंकी मैदान में घुस आया। आतंकी ने काफी नजदीक से आंख, पेट और हाथ में तीन गोलियां मारी। गोली लगते ही इंस्पेक्टर गिर पड़े। वानी के साथ ही आतंकी को पकड़ने के लिए भागे, परंतु हमलावर हवा में गोलियां चलाता हुआ भाग निकला। इस बीच फायरिंग की आवाज सुनकर मैदान में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अन्य लोगों की मदद से घायल इंस्पेक्टर को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका ऑपरेशन चल रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी हासिल की। इन दिनों मशहूर अहमद की तैनाती पुलिस लाइन में है। एडीजीपी विजय कुमार ने बताया कि हमले में शामिल आतंकियों का पता लगाया जा रहा है, जल्द ही इन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें हमले को अंजाम देने वाले आतंकी के बारे में कुछ सुराग मिले हैं और उसे पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। श्रीनगर का ईदगाह इलाका व्यस्तम इलाकों में से एक है। रविवार को अन्य दिनों के मुकाबले में यहां अधिक भीड़ रहती है। शहर के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में युवा यहां क्रिकेट खेलने आते हैं। ऐसे में दिन दहाड़े इंस्पेक्टर पर हमले से अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खिलाड़ी इधर उधर सुरक्षित स्थान की तलाश में भागने लगे। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की जितनी निंदा की जाए कम है। आतंकियों तथा उनके मददगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुख की इस घड़ी में सभी लोग इंस्पेक्टर के परिवार वालों के साथ खड़े हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी घटना की निंदा की है। पुलिस रात भर अपनी कार्रवाई में लगी रही और उन्होंने कुछ पुख्ता सुराग जो है उसमें जुटाए हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ऐसे लोगों की निशानदेही करके उनका सफाया किया जाएगा जो कल के वाकये में शामिल थे। आज का वाकया बिल्कुल हाल फिलहाल में बिल्कुल अभी ताजा वाकया है। हम लोग अभी सफर ही कर रहे थे। मुझे लगता है कि इस वाकये की तहकीकात एडीजी कश्मीर की क्यादत में उनकी ग्राउंड की टीम डीआईजी साउथ कश्मीर और बाकी जो लोग हैं वो इस पे देख रहे हैं। इसकी डिटेल अभी दस्तियाब हो रही हैं। ये एक गरीब मजदूर जो किसी जगह पे अपना पेट भरने के लिए बाहर से चल के जहाँ पर काम करता है, अगर उस तरह के गरीब इंसान को, बेगुनाह इंसान को गोली का निशाना बनाया जाता है, मुझे लगता है कि ऐसी नकलो हरकत को ना तो खुदा ताला माफ़ कर सकता है, ना लोग माफ़ करेंगे और ना ही हम माफ़ करेंगे। मुझे लगता है कि जल्द ही पुलिस इस केस को निकाल के ऐसे जो दोषी इसमें मुलव्वस हैं उनको सजा देगी, वाकफ सजा देगी। थैंक यू सर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे कल की कार्रवाई में, आज की कार्रवाई में, उनका हर तरीके से सफाया किया जाएगा, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब दैनी जानब से सवाल, पुलवामा में टारगेट किलिंग एक बार फिर हुई है और कल जिस तरह से ईदगाह में भी अटैक हुआ, तो उस वाले से जानते हैं। देखिए, ये जो अमन का माहौल यहाँ पर बना है इसको लेकर के दुश्मन के पेट में दर्द होता है और ये दर्द रहेगा, क्योंकि जहाँ पर
अमन ना हो, अफरा तफरी का माहौल हो, दहशतगर्दी का माहौल हो, खून खराबे का माहौल हो, हमारे एडवर्सरी को हमेशा वही पसंद रहा है। इस 30 साल से ज़्यादा अरसे की लंबी जंग में जितनी जाने हमने अपने प्रियजनों की खोई हैं, अपने साथियों की खोई हैं, इसका दुख और दर्द, इसकी पीड़ा, इसकी तकलीफ वही जान सकता है जिसने अपने प्रिय घर वाले किसी को खोया है। पड़ोस में अगर इस तरह की नकलो हरकत होने के बाद उनका एहसास देखें तो शायद वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं कि वो अपने मिशन में कामयाब होते हैं। आज की जो घटना, जो कल की जो घटना, उसको भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है, जहाँ पर ये घटना इस तरीके से होती कि जब जब अमन जहाँ पर अपने जड़ों को पुख्ता करता है, जब जब लोग अपनी ज़िंदगी को मामूल की तरह देखना शुरू करते हैं, तब तब पड़ोसी को तकलीफ होती है कि उनका जो मिशन 30 साल से ज़्यादा लंबे अरसे का, जहाँ पर लोगों की ज़िंदगी को धर्म भर्म करने का था, वो सपना उनका टूट रहा है। इस तरह की वारदातें बीच बीच में होती हैं, वो इसी का नतीजा है, क्योंकि पड़ोसी के पेट में दर्द होती है। वहाँ पर एजेंसियाँ जिन्होंने लंबा अरसा दहशतगर्दी और खून खराबे का नंगा नाच खेला है, उनको जहाँ का अमन पसंद नहीं है, जहाँ पर लोगों की शांति और तरक्की पसंद नहीं है। उधर टीआरएफ ने रविवार को नोटिस जारी कर दोपहर श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एसएचओ कार्गो मशहूर पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। धन्यवाद।